pageant fan? No, this is a complete fake pageant. There are other girls who deserve to be in top 10. I'm sad that I was part of the jury and I chose not to be part of the jury. And I believe my other girls are also there. It's a beauty pageant. It's not a talent pageant. And if it was supposed to be a talent pageant, Mrs. Reena Rai should have clearly stated that it's a talent pageant. I won't allow my community members to be used or misused by any other agency. I'm a transgender. Over here only Lama is over here sitting, and she's from Nepal, she's not from India. Of course, Nepal and India has a very beautiful relation. Fine, wish you all the best for this pageant. But as Laxmi Narayan Tripathi, mujhe is pageant se koi matlab nahi hai, kyunki top 10 ko dekhne ke baad, mujhe afsos hota hai. I don't question the jury. I question, Sridhar, I don't question to you. I don't question to you. It's not question to you. Sridhar, it's not question to you. Don't get into fight with me. No, I'm not telling you. I'm telling the organizer. I'm not talking to you. If I had to fight with you, I would have fought with you together. See, listen, Reena, this is not right. And I believe Rudrani, the model agency, you should listen. What you have done is wrong. What you have done is wrong. And you should feel it. Thank you, because it was not my way, okay? And if you want to get into fight with you, किस बेसिस पे जज किया है पिछले तो ट्रांसपेरेंट रखना चाहिए था आपने मुझे कुछ ट्रांसपेरेंट नहीं रखा आपने बहुत अच्छी तरीके से किया है थैंक यू वेरी मच आप फिर अभी पे नो You see what Rudrani and everybody said Everybody was right. Everybody go on the page. Say, listen. Entire India, entire community of the transgenders, if you want to go against the transgender community, entire community said so many things. See, Sridhar, you all are getting into personal flyer fights. I'm really sad for this. Thank you very much. I have made explanation, but yahan pe media bhi hai aur wo dekh rahi hai. यहाँ पे मेरे बच्चे भी हैं और वो भी देख रहे हैं एंड एवरीवन नोज दैट मैंने यहाँ पे जो ये पेजेंट किया है वो सिर्फ ब्यूटी के लिए नहीं था और शुरू से मैं कहती आ रही हूँ इट्स अबाउट एम्पावरमेंट एंड इंक्लूजन वो कहीं आके काम करे वो सब आके करेगी पेजेंट शुरू करते हैं मैंने जब ये पेजेंट चालू किया था आई थिंक मेरे पूरे 19 कंटेस्टेंट यहाँ आके बता सकते हैं कि हमने एक दो महीने से ये लोग काम कर रहे हैं ब्यूटी विद पर्पस के लिए काम कर रहे हैं जिसने प्रोजेक्ट पर काम नहीं करा उसे मार्क्स नहीं मिले ये एग्रीगेट मार्क्स जो है हमने ब्यूटी विद पर्पस एक प्रोजेक्ट किया था आप फेसबुक पे जाके देखिए किसने क्या क्या काम किया है ठीक है अगर क्वेश्चन है जायरा हयात क्यों नहीं है यहाँ पे उसका क्वेश्चन का आंसर जायरा हयात खुद दे सकती है आके यहाँ पे बिकॉज शी हैज नॉट मेड एनी वीडियो शी हैज नॉट मेड एनी प्रोजेक्ट शी हैज नॉट मेड थिंग्स तो इसलिए उसके मार्क्स पूरे नहीं है ये एग्रीगेट करके पहले जो हमने एक्टिविटीज कराई हैं उसको देख के फिर ये जो आज जूरी ने मार्क्स दिए हैं वो कंपाइल हुए हैं एंड यू कैन ऑल मीडिया कैन हैव दिस शीट्स हियर एंड सी एंड गो टू माय फेसबुक पेज एंड सी कि वहां पे लड़कियों ने क्या काम किया है वीना सेंड्रा ने क्या काम किया है नमिता अमू ने क्या काम किया है और आर्ची ने क्या काम किया है और माही ने क्या काम किया है दे वर्किंग फॉर कैंसर प्रोजेक्ट दे वर्किंग फॉर एम्पावरमेंट ये खाली मेरी जो क्वींस हैं वो सिर्फ मॉडल्स नहीं है दे आर रोल मॉडल्स आई एम मेकिंग रोल मॉडल्स फॉर द होल वर्ल्ड ठीक है मैं यहाँ पे सिर्फ मॉडल बनाने के लिए यहाँ बैठी नहीं थी मेरा हमेशा से यही था कि क्राउन इज नॉट माई क्या कहते हैं एम माई एम इज एम्पावरमेंट एंड इंक्लूजन विच हैपेंड आफ्टर ट्रांस क्वीन इंडिया एंड अगेन आई एम सेइंग इस पेजेंट के बाद भी इंक्लूजन होगा और मैं जिस मकसद से आई थी कि यहाँ बॉम्बे कि मुझे बॉलीवुड को
जगाना है वो जागेगा. आई विल नॉट गिव अप, चाहे कोई साथ दे या ना दे. आई एम हियर एंड आई एम यू कैन टेक. किसी ने कोई साथ नहीं दिया. पिछली बार इन्होंने धमकी दी थी मेरे को, मारने की धमकी दी थी मेरे पास. अभी भी वॉइस नोट पड़ा हुआ है. बट वी हैव नॉट सेड एनीथिंग बिकॉज मैं यहाँ पे ट्रांस पॉजिटिव बनाने आई थी, ट्रांस नेगेटिव बनाने नहीं आई थी. इसलिए मैंने कभी नेगेटिव बात की नहीं.